अगर हम चौमुखी विकास की बात बच्चे की करते हैं तो वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट की बात नहीं है, बच्चे के भावनात्मक विकास की बात भी, इफेक्टिव डोमेन को विकसित करने की बात है। और उसके औजार बाल साहित्य में हमें दिखाई देते हैं। ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं जिसका जिक्र अभी सुशील ने कहा, मृत्यु। तो अगर मृत्यु के प्रति बच्चों में एक प्रकार का भाव पैदा करना है तो कैसे संभव है? और ये सही है कि मृत्यु पे बहुत गिनी चुनी कहानियां हैं, तो उन कहानियों के जरिए या एक व्यापक स्तर पर इसको लेके समझने की जरूरत है। तो ऐसे बहुत सारे अवयव हैं जो बाल साहित्य में अछूते हैं और जगह नहीं बना पाए। तो मुख्य सवाल यही है कि अगर बच्चे के भावनात्मक विकास को पोषित करना है, पुष्ट करना है, तो हमें इस तरह की साहित्य की जरूरत होगी जो बच्चों के भावनाओं के उस कोने तक पहुंचकर उन्हें खलबला सके। क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे देश में है। और आप कहते ही हैं कि हमारे जो बच्चे हैं जिस तरह से आक्रामक हो रहे हैं, जिस तरह से हमारे बच्चों की संवेदनाओं में परिवर्तन हो रहा है, लगातार ये शिकायत पेरेंट्स करते हैं, उसको समझने के लिए और उनको उसके बरक्कस संवेदनाओं को पोषित करने में बाल साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। लेकिन अन्य बहुत सारे अवयव हैं। अगर हम शिक्षा के उपक्रम के तौर पर इसको देखते हैं, एक बड़ा अवयव है स्वाध्याय, जिसकी जो लगभग एक तरह से बच्चों के जीवन में वो हमारे अपने जीवन में शून्य सा है। कोई से पूछ लो आप कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, या तो अखबार पढ़ रहे हैं या पत्रिकाएं पढ़ रहे हैं। एक गंभीर साहित्य को पढ़ने का आग्रह लगभग मुश्किल में है। तो स्वाध्याय जैसी चीज क्या पाठ्य पुस्तक से या स्कूल की औपचारिक प्रक्रियाओं से संभव है? शायद नहीं। तो बच्चों का साहित्य और बच्चों के जीवन के शुरुआती जीवन में आने वाला साहित्य ही बच्चे को एक गंभीर आलोचक और समर्थ पाठक बनाने की प्रक्रिया में हम जा सकते हैं उसके माध्यम से। एक और दो तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं बच्चों के संदर्भ में साहित्य को समझने के लिए। दूसरा, हम लगातार बहु संस्कृति, बहु अस्मिताओं, बहु भाषिकता की बात करते हैं। कल भी परसों शायद बहुत बात हुई कि जिस तरह की विविधता हमारे देश में है, जिस तरह की भाषाई विविधता है, जिस तरह की सांस्कृतिक विविधता है, जिस तरह अस्मिताओं की विविधता है, उसको बच्चों के जीवन में लाने के जरिया क्या है? तो वो जरिया शायद, जैसा कि सुशील ने कहा है, कि बाल साहित्य एक ऐसा संसार है कि जिसमें कुछ भी समा सकता है, किसी भी विषय पर बच्चों की किताबें हो सकती हैं। तो इन संस्कृतियों को, अस्मिताओं को, भाषा के भाषाई रूपों को अगर पोषित करना है तो वो जरिया बच्चों का साहित्य ही बन सकता है। और एक जो मुझे महत्वपूर्ण बात ये लगती है बच्चों के संदर्भ में, कि जो अगर हम शिक्षा के जरिए एक विवेकशील, चिंतनशील, तर्कपूर्ण बालिका को करना चाहते हैं, अनारको का उदाहरण हमारे सामने है कि कैसे वो लगातार प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने के सवाल को चुनौती देती है और अपने तर्क करती है। ईदगाह कहानी में हामिद चिमटा लेने के बाद विड्रॉ नहीं करता है, लगातार इस बात को जिद के साथ और तर्कों के साथ पुष्ट करने की कोशिश करता है कि जो मैंने निर्णय लिया वही निर्णय सही है। और दरअसल ये कहानी ईदगाह में इस तरह से रखी नहीं जाती, क्योंकि उसके पीछे या तो धार्मिक आधार होता है। हम सब जानते हैं कि जब पाठ पुस्तक लिखी जाती है तो एक रक्षाबंधन का पाठ होगा, एक दिवाली का पाठ होगा, एक क्रिसमस का पाठ होगा, और मुस्लिम समुदाय को पुष्ट करने के लिए ईदगाह का पाठ होगा, क्योंकि वही एक पाठ है जो मुस्लिम करेक्टर्स को लेके लिखा गया है। तो जिस एक नासमझी के साथ किसी पाठ का आप चयन करते हैं तो आप उसके मूल्य को पहचान नहीं पाते। तो इन दो तीन उदाहरणों से जिस तरह से हमने ये समझने की कोशिश की कि किसी रचना का मूल्य क्या है, उस मूल्य को पहचान के क्या वो पाठ पुस्तक में जगह बना पाता है, ऐसी बहुत सारी स्थितियां। मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं, महाश्वेता देवी की किताब थी क्यों क्यों छोरी। जब ये किताब चयन के लिए रखी हमने तो हमारे जो ऊपर के अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा कि छोरी शब्द तो बहुत ही गड़बड़ है और इसको बदलिए नहीं तो ये किताब नहीं होगी। तो महाश्वेता देवी पर भी किसी को भरोसा नहीं है कि अगर उन्होंने कोई शीर्षक चुना है तो छोरी शब्द का उनके जीवन में क्या मायने है, और वो चाहते थे कि क्यों क्यों लड़की इसका नाम कर दिया।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह की वर्जनाएं हैं साहित्य में और जिस तरह की समझ है, उस समझ को और गहराई देने के लिए हमें बहुत कुछ सीखना और समझना पड़ेगा। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात हम बहुत करते हैं कि विभिन्न विषयों के ज्ञान को अलग अलग ना देकर विषयों के ज्ञान के बीच में आवाजाही को ले जाना शिक्षा का एक बड़ा जरिया है, सीखने की प्रक्रिया में बड़ा आधार बनता है। क्या किसी पाठ्य पुस्तक की ये हैसियत है कि एक ही किताब में, एक ही विषय की किताब में ऐसा आप कर पाए? बाल साहित्य संभावनाओं को खोलता है। यदि इस पर गहराई से काम किया जाए तो पाठ्य पुस्तक और बाल साहित्य के बीच में जिस तरह के पुल गढ़े जा सकते हैं जिससे कि अंतर विषय समझ के साथ हमारे बच्चे हैं वो विषयों का ज्ञान हासिल कर सकें। क्योंकि बाल साहित्य में उस अनंत संभावनाएं हैं, आप मौसम पर भी किताब पढ़ सकते हैं, ग्रहों के बारे में भी किताब हो सकता है, रंगों पर भी किताब हो सकता है, रंगों इंद्रधनुष पर कविता भी हो सकती है, इंद्रधनुष पर कहानी भी हो सकती है। तो इन चीजों को समझना और संवेदना के स्तर पर साहित्य को चुनना एक बड़ा काम के तौर पर मुझे दिखाई देता है। एक और बात जो मुझे लगती है कि क्या सिर्फ बाल साहित्य इस भूमिका को निभा सकता है या और भी कुछ जरिए हो सकते हैं जो बाल साहित्य के साथ जिनका रिश्ता बनाने से हम इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से पुष्ट कर सकते हैं? और ये बात मुझे इसलिए लगती है कि जब हम इसको शैक्षिक दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं तो एक बड़ा जो हिस्सा बनता है, अभी आप देखें स्कूलों में तो बहुत सारी गतिविधियां बच्चों की किताबों के साथ करने का आग्रह बनना शुरू हुआ है। बहुत सारी गतिविधियां बच्चों के बीच में होती हैं, कहानी को लेके, कविताओं को लेके और अन्य विधाओं को लेके, लेकिन वो एक तरह का कर्मकांड के तौर पर होता है। अधूरी कहानी पूरी करो, कहानी से कविता बनाओ, कविता से कहानी बनाओ। अब ये पता नहीं लगता है कि क्या किसी कहानी की ये हैसियत है कि वो पूरी हो सके जो आपने अधूरी कहानी उसको दी है, क्या किसी कविता की औकात है कि वो उसको कहानी में तब्दील किया जा सके। ये जाने समझे बगैर ये बहुत सारी गतिविधियां, क्योंकि शिक्षा को, बाल साहित्य को शैक्षिक संदर्भ में देखने के आग्रह को ऐसे ही देखने का आग्रह है। तो इसलिए मेरे मन में हमेशा सवाल आता है कि बाल साहित्य का श्रेष्ठ होना, कल्पनाशील होना, रचनाशील होना, तर्कशील होना और वे तमाम भाव जिनकी अपेक्षा करते हैं कि उसमें कहानीपन का होना महत्वपूर्ण है, लेकिन शिक्षक की जो तैयारी है साहित्य को इस्तेमाल करने की, उपयोग में लाने की, वो एक बड़ा सवाल मुझे लगता है। क्योंकि जब हम प्रशिक्षणों में इस तरह की बात करते हैं तो वो इसी तरह के कर्मकांड बनते हैं स्कूली जीवन में, कक्षाओं में भी और शालाओं के अन्य संदर्भों में भी, कि वो सारा। और इसका सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो साहित्य काम अभी आनंद के लिए कर रहा है या खुशी, मतलब सही मायने के आनंद और खुशी के लिए कर रहा है, वो भी एक तरह से मुश्किल होगी। मैं आपको एक व्यक्ति उदाहरण आपको बताता हूं। मैं अपने बेटी के बेटे को कहानी सुना रहा था, गुड नाइट ऑल, एक गर्बाचन की किताब है अंग्रेजी में, और वो किताब में तरह तरह के पक्षी पेड़ पे आते हैं, अपनी आवाजों में अपनी आवाजें सुनाते हैं और उल्लू को जगाते हैं क्योंकि उल्लू के दिन में सोता है, फिर एक पक्षी आता है, फिर कौवे आते हैं, फिर हुदहुद आती है, फिर बया आती है, फिर खटकोड़वा आता है, फिर नीलकंठ आता है, ऐसे अलग अलग पक्षी आते हैं और सो जाते हैं, और रात में फिर वो उल्लू चिल्लाता है और सारे पक्षी जाग जाते हैं क्योंकि वो उनसे एक तरह से, क्योंकि दिन भर तो उसको परेशान किए जा रहा होता है। तो मैंने उसको सुनाते, वो हर बार आता है मुझसे, बोले कि नाना जी ये वाली सुनाओ, गुड नाइट ऑल सुनना है। तो मैं उसको सुनाता हूँ, जैसे लेव तोलस्तॉय की थ्री बियर्स तीन भालू कहानी है। तो जब मैं उसको सुना रहा था तो मैंने उससे पूछा कि देखो ये, और मैं सवाल भी पूछता हूँ, बातचीत भी करता हूँ, तो मैंने उससे पूछा तो बताओ इसमें कितने कौवे हैं। मालूम उसने क्या कहा मुझसे, बोले नाना जी लगता है पढ़ाई शुरू हो गई। पौने तीन साल का बच्चा है, पौने तीन साल के बच्चे ने मुझसे कहा
कि लगता है पढ़ाई शुरू हो गई, क्योंकि मैंने उसमें कितने बच्चे, कितने पक्षी, कितने कौवे, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे का दृष्टिकोण कहीं सवाल नहीं है, वो जानता है कि ये अब पढ़ाई कहानी सुनाने के बहाने इस मोड में आ रहे हैं। ऐसा एक और भी वाक्य है कि जब तो मैं ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं, इसी प्रकार दृष्टिकोण की बात भी है। एक कहानी है, आपने सुनी होगी, शेर और खरगोश की। तो शेर और खरगोश की कहानी में अंत में जो खरगोश है वो अपनी चालाकी से शेर को कुएं में गिरा देता है और शेर की मृत्यु हो जाती है। लेखक ये मानता है कि इस कहानी में चूंकि बच्चा जो पात्र है, छोटा पात्र जो है, उसके प्रति सबकी सहानुभूति होगी और बच्चों की आमतौर पर दिखाई जाती है, ये लेखक का दृष्टिकोण है। लेकिन एक सामाजिक शैक्षिक दृष्टिकोण क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। और तीसरा दृष्टिकोण, बच्चे का दृष्टिकोण क्या है, यह समझने की आवश्यकता है किसी भी रचना। एक लेखकीय दृष्टिकोण, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, और तीसरा लेखकीय बच्चे का दृष्टिकोण। जब वो हो जाता है तो बच्चा मालूम क्या कहता है, लेकिन नाना जी फिर वो शेर तो भूखे ही मर गया। तो दरअसल उसके लिए इस बात का कोई मायने नहीं है कि खरगोश छोटा है या शेर बड़ा है, उसका संबंध उसकी भूख से है, जो उसको क्योंकि, और इसी प्रकार बुढ़िया की रोटी में होता है। बुढ़िया की रोटी बहुत ही चर्चित कहानी है। इस कहानी में एक कौवा बुढ़िया की थाली से रोटी ले जाता है, और वो लोक कथा है, उस लोक कथा को बहुत सुंदर तरीके से रखने की कोशिश की गई है कि वो लोक कथा में जो कौवा है वो पेड़ पे बैठ जाता है रोटी लेके, वो बुढ़िया मिन्नत करती है पेड़ से कि तुम हिल जाओ और इसकी रोटी नीचे फेंक दो कौके से, तो मना करता है। तो फिर वो लकड़हारे के पास जाती है, लकड़हारे से कहती तुम पेड़ काटो क्योंकि कौवा मेरा घोंस को रोटी नहीं देता, तो वो रोटी गिराएगा। लकड़हारा बोलता है कि मैंने उसका क्या, उसने मेरा क्या बिगाड़ा, मैं क्यों दूं। और इस प्रकार लकड़हारा को जो बुढ़िया है वो चूहे के पास जाती है कि तुम लकड़हारे की मूठ काट दो, वो ही मना कर देती है। और बिल्ली के पास जाती है, तुम चूहे को खाओ, बिल्ली मना कर देती है, कुत्ते के पास जाती है, उनका कुत्ता तैयार हो जाता है। और फिर वो लौट के कहानी चलती है, कौवा जो तो कुत्ता है वो बिल्ली के पीछे भागता है, बिल्ली कहती है नहीं मुझे मत मारो, मैं अभी चूहे को खाती हूँ, चूहे के पीछे भागती है, चूहा कहता है मैं अभी काटता हूँ उसकी कुल्हाड़ी को, तो वो मूठ काटता हूँ, तो लकड़हारा कहता नहीं नहीं मत काटो, मैं अभी काटता हूँ पेड़ को, पेड़ कहता नहीं नहीं मुझे मत काटो, मैं अभी गिराता हूँ। अंततः बुढ़िया को उसकी रोटी मिल जाती है। यहाँ भी उस बच्चे का यही सवाल होता है कि कौवे को तो रोटी तो कौवा लेके गया था, उसका क्या हुआ। दरअसल दृष्टिकोण बहुत मायने रखता है, और हम ये मान के चलते हैं लेखक के तौर पे कि हमने जो लिखा है वही एक धारा है, और बच्चे ऐसे ही सोचेंगे या बच्चे ऐसे ही सोचते हैं। तो बच्चे के सोचने के दृष्टिकोण को समझना, उनकी सोचने की प्रक्रियाओं को समझना, और इन सारी चीजों को समझ के आधार पर कुछ लिखना ज्यादा बड़ा सवाल हमारे सामने है। मुझे लगता है कि 30 मिनट हो गए हैं, इसलिए मैं बहुत बढ़िया।